तो आज दोस्तों चार चार वैक्सीन लगी हैं। इस हाथ पर दो लगी हुई हैं, एक है येलो फीवर की, उसके नीचे रेबीज की, और दूसरे हाथ पे दो और हैं। एक है टाइफॉइड की और दूसरी है विच इज द फोर्थ वैक्सीन। चौथी वैक्सीन लगी है मेनिनजाइटिस। अब पूछोगे इतनी सारी वैक्सीन क्यों लगाने लग रहा हूँ मैं। हम लगा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमने प्लान बनाया है अफ्रीका में जाने का। तो अफ्रीका तक जाने के लिए कुछ वैक्सीन लगवाने की प्री रिक्वायरमेंट है, जैसे कि येलो फीवर वैक्सीन के बिना अंदर नहीं घुसने देंगे कई देशों में वहां पर, इसलिए हम ये लगवाने लग रहे हैं। होपफुली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे इन सारी वैक्सीन के, क्योंकि 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है। बहुत सी ट्रैवलिंग करनी है आज के दिन। एक कनेक्टिंग फ्लाइट है पहले एम्स्टरडैम की, और फिर हम जाएंगे डेनमार्क कोपेनहेगन। One suitcase was found. One of them might be ours. Nah. Solo travelers, do your thing. Yeah. And off onto the Bell Nega. And some people like wearing colored chashma after sunset. Why does the ride feel like you're on a bumpy road? It's yeah. ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। It's like there's too many potholes on this road. All the lights are turning on. Yeah. Welcome to Copenhagen. Welcome my green screen. I'm the green screen Wally today. COVID testing requirement. No test requirements if you are from a green country or if you are vaccinated. तो ये एक टिपिकल मेट्रो स्टेशन है कोपेनहेगन का, बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न स्टाइल का लग रहा है। कमाल की साफ सफाई भी है यहाँ पे। इवन द क्लॉक लुक्स सो मिनिमलिस्टिक। जब मैंने चलना शुरू किया था तब गर्मी थी, और यहाँ पर अभी 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी निकरों में ही हूँ। चलो जल्दी से होटल तक चलते हैं, यहाँ तक क्या चेंज करते हैं कपड़े अभी जींस में। It's not that cold though. Says the one wearing a sweater and proper. होटल पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए हैं। प्रॉपरली डिनर करने का भी हमें टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि फ्लाइट ऐसे अजीब से टाइम पर थी, और अब इस इतनी रात को कोई ढंग का रेस्टोरेंट भी नहीं खुला होता। ग्लास बड़े कूल दिखने वाले हैं यहाँ पर, और बाहर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर एक बढ़िया सा अम्यूजमेंट पार्क टाइप का है जो खिड़की से दिखने लग रहा है। मैंने नाम चेक किया, इसे टिवोली करके कहते हैं। सुबह हो सकता है बहुत अच्छा दिखे ये, अभी रात में ज्यादा दिख नहीं रहा है, सुबह देखते हैं फिर। वैसे कोपेनहेगन में हम सिर्फ एक रात के लिए रुके हैं, उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ मिलने जा रहे हैं जो पास के ही डेनमार्क के एक आइलैंड पर रहते हैं। इसकी भी बात कल करते हैं, अभी बहुत लेट हो चुका है। रेडी होकर मैं सोता हूँ फिर। आई वांट टू गो, आई ऑल्सो वांट टू स्लीप। I'm coming in. वहां नीचे एक डेनमार्क का झंडा लगा हुआ है, लेकिन उससे भी ऊपर LGBT का झंडा उड़ने लग रहा है। और ये सिर्फ एक लौता झंडा नहीं है LGBT का, बल्कि वहां दूर सबसे ऊपर भी एक LGBT का फ्लैग लगा है। दूसरी साइड भी वहां पर कहीं एक लगा हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा अभी।
यहाँ पर लिख रखा है उंगली से बटन दबाओ और यहाँ लिख रखा है एल्बो से बटन दबाओ. सो व्हाट शुड वी डू? लेट्स प्रेस इट विद द नोज. ये आइलैंड इतना आइसोलेटेड है कि पहले हम मेट्रो में बैठ के आए, ट्रेन में बैठे, फिर ट्रेन चेंज करी, फिर हम बस में बैठे और अब हम फेरी में बैठने जा रहे हैं. यहाँ पर फेरी में बैठने के बाद हम उस आइलैंड के एंड तक पहुँचेंगे और वहाँ पर वो भारत हमें कार में लेने आएगा. हमें इतनी ट्रैवलिंग के बीच में हमें खाने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे रास्ते में पिज्ज़ा ले लिया. मैंने उसे बोला था बहुत सी टॉपिंग्स डाल देना पिज्ज़ा पे. And it's full of jalapenos. Oh my god, that's so just crazy. I told him I'm from India and then he put a lot of jalapenos. No. बिल्कुल ये एरोप्लेन की तरह लग रहा है. अनाउंसमेंट भी आती है और पूरा जहाज जब चलना शुरू करता है साउंड इसकी फील होती है. Look at that bridge over there. How long is that? Hi, I'm Bharat and I'm waiting to get Dhruv and Julie. They will be like coming in this ferry and most probably they should be here any moment. और ये रहे आइलैंड पर लोग हमारा इंतजार करते हुए. बहुत ही एक्साइटेड हूँ. For what? For हमारे फ्रेंड्स. Is this the way out? Oh yes, it is the way out. That's him. Oh, that's Bharat. What a Bharat. Yes, I am. No. उसे दिख नहीं रहा लगता शीशे से. तो शायद से पहले गाड़ियां जाएंगी और गाड़ियों के बाद हम जाएंगे. ये फेरी इतनी बड़ी है कि इसमें एक पूरा का पूरा ट्रक भी आ गया. सोच कर देखो. भारत. We saw you from the window. This is our essentially the largest supermarket here on the island. Yeah. Or the only supermarket on the island. Huh? No, is no, it? Not the only. No.